हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स का जो कि जीएस प्रीलिम्स और मेंस फाउंडेशन कोर्स के साथ मिला है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोट में क्या जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सारे नोट्स में सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ है, फिर कवरेज किस चैप्टर में कवर किया गया है उस सिलेबस को दिया गया है, फिर यहाँ एनालिसिस है। प्रीलिम्स में जो है 2020 में इसमें जो है 15 क्वेश्चन आए थे और मेंस में 50 मार्क के क्वेश्चन आए थे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर कंटेंट देखते हैं, कंटेंट में सबसे पहले बायोलॉजी है। बायोलॉजी में आपको प्लांट वगैरह क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कीटोलॉजी एंड फोटोसिंथेसिस, सारी चीज़ें हैं, और ह्यूमन बॉडी सिस्टम और ह्यूमन डिजीज़, केमिस्ट्री है उसके बाद, और उसके बाद फिजिक्स है। यहाँ पे मोशन, एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, हीट, वेव, लाइट, साउंड, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो टेक्नोलॉजी क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या होता है, सारी चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टोटल 40 चैप्टर है। और इस नोट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको, इस नोट अगर नोट आपके पास है तो आपको एनसीईआरटी साइंस का नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं ऑलरेडी, इसमें साइंस आपको अलग से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी इस नोट में। तो यह है नोट्स जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।